नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको मोटो जी फोर प्लस का टियर डाउन, पार्ट्स व्यू और असेंबली दिखाने जा रहा हूँ। ये है मेरा मोटो जी फोर प्लस, जिसको कि मैंने अमेजन से खरीदा था। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो इस फोन के बारे में, लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको इस फोन का दिखाऊंगा टियर डाउन, पार्ट्स व्यू और असेंबली। तो दोस्तों, टियर डाउन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस फोन को करना पड़ेगा बंद, और दोस्तों जैसे ये बंद हो जाएगा तो मुझे सबसे पहले निकालना है इसका बैक कवर। एक छोटी सी नोच है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटी सी नोच है। इस नोच को मैं नाखून डाल के और इसको खींच के मैं बैक कवर को निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों, ये है इसका बैक कवर, प्लास्टिक, प्योर प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल है काफ़ी। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का उन्होंने प्लास्टिक इस्तेमाल किया, और देख सकते हो कि मेट फिनिश है पीछे की साइड को। आप आवाज़ सुन सकते हो, ऐसी आवाज़ आती है। तो दोस्तों, आइए इसको साइड में रख लेते हैं। और दोस्तों, अब देख सकते हो कि अब इसके पीछे है स्क्रूज़। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका जो प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, तो आपको एक स्पेशल स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर खरीदना पड़ेगा, जो कि टोरेक्स स्क्रू ड्राइवर है। और उसकी जो बिट इस्तेमाल करोगे दोस्तों, बिट आप ध्यान रखें T3 टोरेक्स वाली बिट आप इस्तेमाल करोगे, तो T3 वाली बिट ही इस फोन में लगेगी। तो फिलहाल मैंने जैकले का एक स्क्रू ड्राइवर की पूरी किट मंगवा ली है, और उसी का ये कमाल है कि मैं आज इस फोन को खोल सकता हूँ। तो फिलहाल ध्यान रखें कि जब आप स्क्रूज को खोल रहे हो तो ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, क्योंकि ये जो स्क्रू ड्राइवर की जो बिट है, बिट जो आगे वाली, ये उतनी स्ट्रांग नहीं, उतनी हार्ड नहीं जितनी कि ये बाकू की होती है। तो फिलहाल ये आपके स्क्रूज को डैमेज कर सकती है, खुद डैमेज हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, ज़्यादा जोर ना लगाएं। तो दोस्तों, 19 स्क्रूज हैं फिलहाल पीछे, तो आइए इनको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने 19 के 19 स्क्रूज निकाल दिए हैं। तो फिलहाल अब बैक कवर है निकालने की बारी। तो फिलहाल जो बैक का जो पीछे वाला फ्रेम है उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप अपने सारे सिम्स कार्ड को या मेमोरी कार्ड को यहाँ से निकाल लें। और जैसे आप निकालोगे दोस्तों, देख सकते हो कि किसी प्राइम टूल की जरूरत नहीं, आप अपने नाखूनों से भी इसको उठा सकते हो। तो फिलहाल देख सकते हो कि अगर कोई स्क्रू नहीं बचा होगा तो आराम से ये पीछे वाला जो बैक कवर है ये निकल आएगा। फिलहाल दोस्तों, ऊपर की साइड थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्टर है, और फिलहाल अगर जोर लगाओगे तो कनेक्टर टूट जाएगा। तो फिलहाल कनेक्टर को निकालने के लिए आप इस वाले खांचे को निकाल सकते हो। अपनी ट्वीज़र ले लीजिए और हल्का से ट्वीज़र से ये सारी रबड़ जो यहाँ पर लगी हुई है इसको निकाल लीजिए। और इसके नीचे दोस्तों देख सकते हो कि एक कनेक्टर है, इस कनेक्टर को आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, तो आपका ये जो बैक कवर है वो निकल आएगा। तो दोस्तों, ये है इसका बैक कवर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि बैक कवर के अंदर है आपका, एक तो है कैमरा लेंस, और फिलहाल कुछ सर्किटरी है यहाँ पर, कुछ कंपोनेंट्स छोटे छोटे लगे हुए हैं। और फिलहाल देख सकते हो कि ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट ऊपर की साइड में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं लेज़र सेंसर के लिए, और लेज़र होगी और एक सेंसर हो गया। और फिलहाल इसको देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह है ड्यूल टोन LED फ्लैश, जिसका मतलब कि जो नीचे जो गई हैं वायर, ये है ड्यूल टोन LED फ्लैश के लिए, और ये है इसका कनेक्टर। तो दोस्तों देख सकते हो कि इन्होंने सर्किटरी यहाँ पर इस्तेमाल करके, अगर फिलहाल आपका ड्यूल टोन LED फ्लैश ख़राब हो जाए तो उसका मतलब कि आपको ये सेंसर वाला पोर्शन भी यहाँ पर बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसको कुछ स्टेप से निकाल सकते हो आप। तो दोस्तों, ये है लेज़र सेंसर वाला पोर्शन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह दिख रहा है आपको। एक साइड लेज़र है और एक साइड उसका रिसीवर है। और फिलहाल ऐसे करके आप इस फ्लैश LED वाली पोर्शन को भी निकाल सकते हो। ये भी ग्लू के साथ चिपकाया गया। दोस्तों देखो कितनी तगड़ी ग्लू है। तो दोस्तों, ये है इसकी ड्यूल टोन LED फ्लैश। ऊपर वाली दोस्तों देख सकते हो कि ये है येलो कलर की और यह है ये वाइट कलर की। तो दोस्तों, ड्यूल टोन LED फ्लैश और ये लेज़र सेंसर के साथ येलो पोर्शन होगा, तो इसको साइड में रख लेते हैं। और दोस्तों, इसके सिवाय आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्टिंग पैड और लगा रखा है। ये देख सकते हो कि आपका ये रिसीवर स्पीकर है, यहाँ पर कनेक्टर है और रिसीवर स्पीकर है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को कनेक्शन बनाने के लिए, इन दोनों को कनेक्शन बनाने के लिए उन्होंने कॉपर पैड्स यहाँ लगा रखे हैं। तो दोस्तों, ये तरह से कनेक्टिंग पैड्स हैं। और फिलहाल देख सकते हो एंटीनाज यहाँ पर है। एक एंटीना आपका हो गया दोस्तों, यहाँ पर सिंगल वाला है, तो इसका मतलब ये GPS हो गया। तो फिलहाल ये एक एंटीना हो गया। और दोस्तों, दूसरा देख सकते हो यहाँ पर है एंटीना, देख सकते हो ये लगा हुआ पीछे को। और ऐसे दोस्तों, नीचे को देख सकते हो कि यह है आपका GSM 3G और 4G वाला एंटीना। तो दोस्तों, एक तो हो गया आपका GPS, एक वाईफाई ब्लूटूथ, और नीचे हो गया आपका रेगुलर एंटीना, सेलुलर एंटीना। तो दोस्तों, ये हो चुका है इस प्लास्टिक बैग का पार्ट्स लेआउट। तो दोस्तों देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा इसमें कंपोनेंट्स नहीं है, और बिल्कुल मुलायम सी प्लास्टिक से बना रखा है। देख सकते हो, इधर तो लग ही रहा है कि कपड़े टाइप का प्लास्टिक है। तो फिलहाल अब इसको साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका LCD वाला पोर्शन, जिसमें मदरबोर्ड और बैटरी लगी हुई है। तो दोस्तों, आइए अब मदरबोर्ड को रिलीज़ करते हैं। दोस्तों, मदरबोर्ड को रिलीज़ करने से पहले सबसे पहले मुझे बैटरी कनेक्टर को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कनेक्टर कहीं यहाँ है, आप ट्वीज़र ले लीजिए, उसको उठा लीजिए। तो ये बैटरी अब हो चुकी है डिस्कनेक्ट, वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो चुकी है बैटरी डिस्कनेक्ट। दोस्तों, ये है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर वाली फ्लेक्स केबल, तो इसको भी साइड में हटा लेते हैं। अब दोस्तों, तो कि दोस्तों यहाँ पर एक रबर गैस्केट पड़ा हुआ है, और इसके नीचे लगी हुई है ये एक तरह से कनेक्टर। तो दोस्तों, ये जा रहा है वाइब्रेटर मोटर के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो कि मैं इसको निकाल सकता हूँ, तो ये निकल गई इसकी वाइब्रेटर मोटर। तो दोस्तों, ये एक तरह से फिजिकल मोटर है, कोई इन पैकेज या इन डाई सोल्यूशन नहीं है।
बहुत नॉर्मल सी वाइब्रेटर मोटर है, तो फिलहाल इसकी वाइब्रेशन काफ़ी अच्छी होती है, तो फिलहाल इसलिए इन्होंने इसको इस्तेमाल कर रखा, तो इसको हम अब साइड में रख लेते हैं। दोस्तों देखो मदरबोर्ड के साथ दो स्क्रूज लगे हुए हैं यहाँ पर, और फिलहाल कोई और स्क्रू तो मुझे दिख नहीं रहा है इस लाइन पर। और दोस्तों ये है एलसीडी कनेक्टर, तो मदरबोर्ड को अगर निकालना है तो मुझे एलसीडी कनेक्टर को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। टच और डिजिटाइजर भी दोस्तों इसी के अंदर जा रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि एक कनेक्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये कनेक्टर है आपका दोस्तों ये 3.5 mm सॉकेट के लिए, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो ये भी हट चुका है, तो मैं निकाल देता हूँ इस फ्लेक्स केबल को। तो दोस्तों ये हो चुका है सेपरेट, और फिलहाल मुझे लगता नहीं मुझे किसी और चीज़ को यहाँ पर सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फ्रंट कैमरा भी बिगड़ निकाले मदरबोर्ड निकल जाएगा। तो फिलहाल हाँ दोस्तों मुझे स्क्रूज़ को सेपरेट करना है, दो स्क्रूज़ हैं वाइट कलर के। तो दोस्तों देखो तो मदरबोर्ड सेपरेट हो गया, और ये हो चुका मदरबोर्ड सेपरेट। तो आइए पहले मदरबोर्ड को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो तो कि मदरबोर्ड में अधिकतर आरएफ सेक्शंस बन रखे हैं, यहाँ पर भी देख सकते सील्ड है, सील्ड है। ये आपका पीएच मीटर है, मतलब एक तरह मॉइस्चर सेंसर है, और ये आपका फ्रंट का कैमरा हो गया, और ये आपका रियर कैमरा हो गया। तो दोस्तों का रियर कैमरा को देख लेते हैं, देख सकते हो कि रियर कैमरा आपका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ नहीं आता है, हिल नहीं राइट साइड को, और फिलहाल अगर ये आ रहा है तो ऑटो फोकस के साथ है। दोस्तों ये ऑटो फोकस वाला कैमरा है। और दोस्तों अब मैं आपको एक करके इस मदरबोर्ड के पार्ट्स दिखा देता हूं, तो फिलहाल उससे पहले मैं इन जो रबर गैस्केट्स हैं उनको हटा देता हूं। तो दोस्तों ये है इसका मदरबोर्ड, देख सकते हो कि दोनों साइड के पार्ट्स। और फिलहाल अगर पार्ट नंबर की बात करें तो यहां पर इसका पार्ट नंबर आप पढ़ सकते हो, ये लिखा है इसका पार्ट नंबर। फिलहाल अगर आपका फ्रंट कैमरा ख़राब हो जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके ऊपर लगी हुई कैप्टन टेप, ये कैप्टन टेप है, तो दोस्तों इसको निकाल लीजिए, इसको सटका के आप निकाल सकते हो। तो कैप्टन टेप निकाल दी आपने दोस्तों, अब है यहाँ से कनेक्टर को अनकनेक्ट करने की बारी। तो दोस्तों ये वाइट वाला ऊपर को हो गया, और अब मैं इसमें से कैमरे को खींच के निकाल देता हूँ। तो दोस्तों ये है इसका फ्रंट कैमरा, कुछ इस टाइप से है दिखने में। तो दोस्तों ये है इसका फ्रंट कैमरा, और फिलहाल इस साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कनेक्टर देख सकते हो, एंटीना कनेक्टर हो गया, ये हो गया आपका फ्रंट कैमरा कनेक्टर। और दोस्तों ये है इसका माइक्रोफोन फॉर नॉइस कैंसिलेशन, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि कितना अच्छा प्रोफाइल है, और कितनी बढ़िया क्वालिटी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड ये माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी जो वॉइस क्वालिटी होगी दोस्तों, इसकी मैं यहाँ पर गारंटी ले सकता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी होगी इस फ़ोन की। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोफोन यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है, तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी बढ़िया होती है। और दोस्तों कुछ आरएफ सेक्शंस हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे पता नहीं कि क्या है किसके है। और दोस्तों ये दोस्तों कि यह 3.5 mm का कनेक्टर यहाँ लगता है, और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि यह रिसीवर स्पीकर का कनेक्टर, और ये आपका फिर कोई सेक्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई और एंटीना है लगा हुआ है। और फिलहाल आरएफ सेक्शन काफ़ी दबे हुए हैं इसके अंदर। और ये कनेक्टर देख सकते हो दोस्तों, ये आपका जो पीछे जो बैक पैनल पर जो फ्लैश एलईडी लगी हुई है, और साथ में जो लेज़र ऑटो फोकस वाला सेंसर लगा हुआ था उसका कनेक्टर है। और फिलहाल एक आरएफ सेक्शन यहाँ पर भी देख सकते हो, ये आपका एलसीडी और डिजिटाइजर कनेक्टर हो गया, ये आपका माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट हो गया, ये आपका सिम ट्रे होगी, दूसरी सिम ट्रे होगी, अगेन कोई छोटा सा आरएफ सेक्शन यहाँ पर दबा हुआ है, और ये भी सेपरेट नहीं हो सकता। और यहाँ पर कनेक्टर देख सकते हो, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर का कनेक्टर हो गया, ये कुछ EMC ICs होगी, ये आपका USB पोर्ट हो गया, और ये आपका वाइब्रेटर मोटर कनेक्टर हो गया। तो दोस्तों ये है इसका इस साइड का लेआउट। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि इस साइड लेआउट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस मदरबोर्ड के ऊपर। और दोस्तों इस साइड देख लेते हैं, तो इस साइड अगर देखा जाए तो छोटा सा आरएफ सेक्शन यहाँ पर भी बना हुआ है। और फिलहाल देख सकते हो कि यह है इसका रियर कैमरा, तो सेम उसी तरीके से कैप्टन टेप उठानी है और फिलहाल खींच डालना है। तो यह है इसका रियर कैमरा, और यह है इसका प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर, देख सकते हो कि इस टाइप से दिखता है इसमें। और इसके कुछ ICs हैं यहाँ पर दोस्तों, इस मदरबोर्ड का नंबर देख सकते हो। और दोस्तों देख सकते हो इसका मेन प्रोसेसर है, रैम है, जो इसकी रोम है, सब इसी मेटल शील्ड के नीचे दबी हुई है। हालांकि ये मेटल शील्ड शोल्डर कर रखी है, तो मैं यहाँ पर एक्सपोज नहीं कर पाऊँगा। और फिलहाल देख सकते हो कि ये हैप्टिक फीडबैक के बटन, ये फिजिकल बटन है बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों इसके अंदर अगर कोई बटन आपका ख़राब हो गया तो आपको ये बोर्ड में से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब डीशोल्डरिंग करनी पड़ेगी। और फिलहाल को दोस्तों नीचे की साइड को आप देख सकते हो, कोई आरएफ सेक्शन पड़ा हुआ है, ट्रांस रिसीवर सेक्शन है दोस्तों ये। और फिलहाल ये है दोस्तों आपका प्राइमरी माइक्रोफोन। तो दोस्तों ये है इसका माइक्रोफोन, सेम उसी लेआउट का है, और ये आपको USB पोर्ट दीजिएगा। तो दोस्तों ये है इसका मदरबोर्ड का इस साइड का हिस्सा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड पर ही सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कोई सब PVA सेक्शन अलग से उन्होंने नहीं बना रखा। दोस्तों जिस हिसाब से मैंने J76 में देखा था, बिल्कुल उसी टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है। जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं दोस्तों, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो अगर अपने लो एंड या लो बजट के फ़ोन जब निकालती हैं तो इस टाइप का ही कोई मदरबोर्ड बनाती हैं। तो फिलहाल वही चीज़ है जो आपको J7 में देखी थी। अगर आप देखा जाए तो दोस्तों मदरबोर्ड का जो थिकनेस है वो काफ़ी पतला है, मतलब कि आपको ध्यान रखना, अगर आप उसको
वर्कआउट कर रहे हो इस मदरबोर्ड के ऊपर, मतलब कि आप इसको हीट में रख रहे हो, इसको शोल्डरिंग डीशोल्डरिंग कर दो दोस्तों, ज़्यादा हीट ना दें, मदरबोर्ड डैमेज होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये है इसका मदरबोर्ड, तो आइए इसको आप साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि फ्रंट बेजल में क्या क्या है। तो फ्रंट बेजल में दोस्तों देख सकते हैं कि आपका एक तो है यहाँ पर लगा हुआ रिसीवर स्पीकर, और फिलहाल यही आपका लाउड स्पीकर भी है दोस्तों, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पीकर्स नहीं दे रखे हैं। तो दोस्तों ये एक तरह से इन्होंने बहुत तगड़ी ग्लू से इसको चिपका रखा है, और दोस्तों तो ये रिसीवर स्पीकर पूरा यहाँ पर जा रहा है। तो फिलहाल एक ही स्पीकर जो कि आपका रिसीवर की तरह भी काम करता है और लाउड स्पीकर की तरह भी काम करता है। तो दोस्तों ये एक सिंगल सोल्यूशन यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है। और दोस्तों ये है आपका 3.5 mm सॉकेट, और फिलहाल देख सकते हैं कि एक रबर गैस्केट के साथ रखा हुआ है ताकि इसमें पानी यहाँ से एंटर ना कर पाए और बोर्ड आपका ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों ये है आपका 3.5 mm का सॉकेट। तो दोस्तों अगर इसको निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा, कुछ इस टाइप से है। और देख सकते हैं इसे कनेक्टर दोस्तों इन्होंने इस साइड को रख रखे हैं, और फिलहाल ये है कुछ इस टाइप से। हालांकि ऐसे वाले कंपोनेंट्स बहुत ही कम ख़राब होते हैं, तो फिलहाल अगर ख़राब हो भी जाएँ तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। और दोस्तों यह है कटआउट प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर के लिए, फ्रंट कैमरे के लिए। यह डिजिटाइजर और LCD कनेक्टर केबल, और यह है इसकी बैटरी। तो दोस्तों बैटरी की बात करें तो बैटरी मोटोरोला की है GA40, और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3.8 वोल्ट की बैटरी है, और जो कैपेसिटी लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पर 11.4 वाट आवर, और इसका मतलब कि ये करीबन 3000 mAh की बैटरी है। तो दोस्तों ये हो गया बैटरी, और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों इसकी बैटरी रिप्लेस करना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस स्पूलिंग टैग को उठाना है, अपने नाखून से खरोच उसको उठा लीजिए और उसको खींच डालिए, और ये अपनी आप बैटरी बाहर निकल आएगी। तो दोस्तों इस टाइप से आप इसकी बैटरी रिप्लेस कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं इसमें नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे बैटरी अभी प्रिजर्व करनी है। और फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर, बहुत ही चीपी टाइप का कनेक्टर उन्होंने इस्तेमाल किया, सिर्फ दो वायर हैं BSI और जो टेम्परेचर वाली वायर बैटरी से नहीं आ रही है, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर की केबल होगी। और दोस्तों नीचे की साइड को अब कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये हो चुका है इसका फ्रंट बेजल, और फिलहाल साइड बेजल की बात करते हैं। तो फिलहाल देख सकते हो कि जो साइड वाला फ्रेम है इसका तो मेटेलिक कहा था उन्होंने, तो देखो देख लेते हैं आवाज से तो मेटेलिक ही लग रहा है। तो फिलहाल देख सकते हो कि इन्होंने फ्यूज़ कर रखा, प्लास्टिक और मेटल का फ्यूज़न है यहाँ पर, और सेपरेशन देख सकते हो थोड़ी सी सेपरेशन है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने पुराने फ़ोन में देखा था कैनवस वाले में, तो उसमें सेपरेशन नहीं थी, इसका मतलब कि दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि मेटल इस्तेमाल की है, पर फिलहाल मुझे एग्जैक्टली अभी भी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अभी भी प्लास्टिक जैसे ही इसमें फीलिंग हो रही है, ऊपर से लगता था कि उन्होंने मेटल का पेंट कर दिया, पर फिलहाल है ये प्लास्टिक ही। तो एक बार थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी करके देख लेते हैं कि दोस्तों ये प्लास्टिक है कि मेटल है। तो दोस्तों प्लास्टिक है, ये स्क्रैच वगैरह प्लास्टिक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे थे पहले जब हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, इसकी स्पेसिफिकेशन बताई थी, मैं कह रहा था कि शायद ये मेटल हो सकता है, पर फिलहाल यहाँ पर ये मेटल नहीं है, ये टोटल आपका प्लास्टिक का बना हुआ है। सिर्फ इसके ऊपर उन्होंने कोटिंग कर दी है मेटल फिनिश टाइप की, और फिलहाल अंदर से ये प्लास्टिक ही है। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रोफाइल भारी है, भारी लग रहा है यहाँ पर। और फिलहाल देखा जाए तो ये है इसका फ्रंट बेजल। तो दोस्तों अब अगर आपकी LCD या डिजिटाइजर या आपका टच या फिर आपका ग्लास टूट जाए तो आपको करना क्या होता है। तो दोस्तों उसके इसमें पहले तो इसको ऊपर को रख लीजिए, इन दो जो PCBs हैं मतलब फ्लेक्सिबल PCBs हैं तो इनको उठा लीजिए, क्योंकि ये उठेंगे तभी आप अपने LCD और डिजिटाइजर को सेपरेट कर पाएंगे। तो दोनों को उठा लीजिए, उसके बाद इसको हॉट ओवन प्लेट पर रख लीजिए, और उसके बाद इसको गर्म कर लीजिए, और सक्शन कप के जरिए इस LCD वाले पोर्शन को खींच लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी LCD डिजिटाइजर टच और ग्लास को इस बेजल से अलग कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो एपिसोड में मैं अभी ये नहीं करने वाला, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच लेता है। हालांकि अब 18 मिनट हो चुके हैं मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो फिलहाल मैं अब इस टीयरडाउन को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। तो फिलहाल मैं प्रोसीड करता हूं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसके पार्ट्स। तो दोस्तों आइए अब मोटो G4 के पार्ट्स देख लेते हैं। बैक कवर, सिम अडेप्टर्स हो गए दोस्तों, ये आपका सिम होगी दोस्तों, ये है आपका बैक फ्रेम जिसमें आपका कैमरा लेंस हो गया और एंटीनाज हैं दोस्तों। ये है आपका LED फ्लैश और लेज़र ऑटो फोकस वाला फ्लेक्स PCB, और दोस्तों ये है आपका रबर गैस्केट्स, और ये है आपका वाइब्रेटर मोटर, मदरबोर्ड के दो स्क्रूज हैं दोस्तों। ये आपका फ्रंट कैमरा हो गया, ये आपका मेन मदरबोर्ड है, इसके अंदर आपका अभी मैंने रियर कैमरा निकाला नहीं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, SOCs, ICs, RF सेशन सब कुछ दोस्तों इसी के अंदर है। और ये है आपका फ्रंट फ्रेम जिसमें आपका बैटरी लगी हुई है, रिसीवर स्पीकर, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, 3.5 mm सॉकेट लगा हुआ है, हेडफोन और फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है, LCD डिजिटाइजर टच और डिस्प्ले लगा हुआ है, और दोस्तों ये पूरा प्लास्टिक का फ्रेम है। तो दोस्तों ये हो चुका है मोटो G4 प्लस के पार्ट्स। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं अब इस फोन को करूंगा असेंबली। तो असेंबली करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं मदरबोर्ड से। तो दोस्तों मदरबोर्ड में मुझे ज़्यादा कुछ अब लगाना नहीं है, अधिकतर चीज़ें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें लगा देता हूँ ये फ्रंट वाला कैमरा, हालांकि इसको आप बाद में भी लगा सकते हो, तो फिलहाल मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ कि आप पहले लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही मैं इसकी कैप्टन टेप जो मैंने निकाली थी उसको भी लगा देता हूँ। तो ये कैप्टन टेप लगा दी दोस्तों मैंने,
अब दोस्तों मैं लगाने जा रहा हूँ इस मदरबोर्ड को इस फ्रेम के साथ, और फिलहाल ये एडजस्ट होगा कुछ दोस्तों ऐसे। तो दोस्तों इससे पहले एक बार ध्यान रखें कि जब इसको कर रहे हैं तो आप इस जो यूएसबी पोर्ट वाला ये रबर गैस्केट है इसको डाल दें, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए आपका जो पानी है इस पोर्ट के ज़रिए आपके फ़ोन में एंटर नहीं करेगा। तो दोस्तों ये लग चुकी है, और फिलहाल अब मैं करना चाह रहा हूँ मदरबोर्ड को एडजस्ट। तो मदरबोर्ड कुछ ऐसे जाएगा। तो दोस्तों अब जाके कहीं ये मदरबोर्ड सेट हुआ है, सारी फ्लेक्स केबल्स बाहर हैं, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर यूएसबी पोर्ट वाला जो रबर गैस्केट है वो थोड़ी सी मिसल लाइन हो चुकी थी, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। तो दोस्तों अभी हो चुका है रेडी। तो फिलहाल अब मैं सबसे पहले कि मदरबोर्ड हिल ना जाए, तो ये मदरबोर्ड के जो दो स्क्रूज़ हैं मैं उसको लगा देता हूँ। स्क्रू वन लगा दिया दोस्तों, स्क्रू टू भी लग गया। तो दोस्तों अब कनेक्टर्स लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला कनेक्टर लगा देता हूँ, और साथ ही मैं वाइब्रेटर मोटर भी यहाँ पर फिट कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो चुकी, और मैं रबर गैस्केट को अच्छे से अलाइन कर देता हूँ। और दोस्तों मैं इस बैटरी कनेक्टर को अभी डाल लगाता नहीं, तो फिलहाल इसको अलाइन कर देता हूँ। और दोस्तों अब मैं लगाने जा रहा हूँ एलसीडी कनेक्टर को, और दोस्तों अब मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ इस 3.5 mm के जो फ्लेक्स केबल आई है उसको। कनेक्टर को लॉक कर दिया। तो दोस्तों ये सब कुछ रेडी है, मदरबोर्ड पर सब कुछ लग चुका है। और फिलहाल दोस्तों अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ बैटरी को। तो दोस्तों बैटरी हो चुकी कनेक्ट, और फिलहाल सब कुछ है चुका है रेडी। तो दोस्तों अब मैं बैक जो फ्रेम है उसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये जो मैंने सेंसर्स निकाले थे, तो सब सेंसर्स को मैं लगा देता हूँ। पहले मैंने लगा दिया एलईडी फ्लैश, और दोस्तों दूसरी बार मैं लगा दिया मैंने आपका लेज़र ऑटो फोकस वाला पार्ट। तो दोस्तों ये भी रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मुझे लगाना है इसका अब ये बैक फ्रेम इस फ्रंट फ्रेम के साथ। तो दोस्तों टोटल मिला के 19 स्क्रूज हैं, ध्यान रखें इसका। तो पहले दोस्तों एडजस्ट कर लें, सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं स्क्रूज़ लगाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने सारे के सारे 19 स्क्रूज़ लगा दिए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि सारे स्क्रूज़ लग चुके हैं, और फिलहाल अब मैं कनेक्टर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये कनेक्टर हो चुका है कनेक्ट। तो फिलहाल अब मैं इसके ऊपर इसका जो रबर गैस्केट लगा रखी उसको भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये हो चुका है रेडी। अब फिलहाल मैं सिम्स डाल देता हूँ इसके अंदर। फिलहाल मैं अभी इसमें एक ही सिम चला रहा हूँ, तो दोस्तों इसको भी मैं डाल देता हूँ, और इस एडेप्टर को मैं वापस लगा देता हूँ। और दोस्तों अब मैं बैक कवर लगा देता हूँ, देख लेते हैं कोई कंपोनेंट्स बचा नहीं दोस्तों, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों आइए अब मैं इसको ऑन कर दें। तो दोस्तों देखो तो कि डिस्प्ले वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये फ़ोन हो चुका है बूट। आप देखो तो कि टच बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तो दोस्तों एक बार इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी देख लेते हैं, और फिंगरप्रिंट स्कैनर को तो दोस्तों ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और दोस्तों एक बार कैमरास को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यह है पीछे का कैमरा, पीछे का कैमरा भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और दोस्तों एक बार आगे का कैमरा देख लेते हैं, तो दोस्तों आगे का कैमरा भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था। दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अब ये फ़ोन हो चुका है अच्छे से असेंबल। तो दोस्तों फाइनली यहां पर मैं कह सकता हूं कि मोटो जी फोर प्लस को टियर करना और इसके पार्ट्स को बदलना और वापस इसे असेंबल करना आसान है एज़ कम्पेयर टू जो अदर मोटो के फ़ोन आते हैं फिलहाल, उसके मुकाबले काफ़ी आसान है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें, और साथ ही में हमें कमेंट सेशन में बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या बुरा लगा जिसकी वजह से आप इस वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में उसका ध्यान रखें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जान पाए कि मोटो जी फोर प्लस को कैसे टियर करें और कैसे इसके पार्ट्स को बदलें और वापसी में इस फोन को कैसे असेंबल करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आगे आने इस फोन की वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।